हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा चलिए बिना समय गंवाएं बिना आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है पहले आपको ये सोचना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विद द इंटर रिलेशन ऑफ केमिकल फनोमन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज Electrical energies is carried through matter in the form of electric current with the help of suitable source and charge carriers ions or electrons ठीक है समझ में आया आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ये इसका करेक्ट डेफिनेशन है ठीक है आपसे अगर नीट के एग्जामिनेशन में या जेई के एग्जामिनेशन में या फिर आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू हैव टू राइट कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ऐसा केमिस्ट्री जो कि मतलब प्रॉपर्टी उसमें हो ठीक है ऐसा केमिस्ट्री जिसमें प्रॉपर्टी हो केमिकल फेनोमेनन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जीज की उसको हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं अब कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज कितने क्लासेस में डिवाइडेड होता है टू क्लासेज में पहला कौन सा होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, ठीक है दूसरा होता है कंडक्टर पहला कौन सा हो गया नॉन कंडक्टर जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं और दूसरा होता है कंडक्टर ठीक है अब पहले हम बात करेंगे नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर के बारे में इंसुलेटर क्या होता है सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर ठीक है एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्योर वाटर आइस ले सकते हैं ग्लास ले सकते हैं या फिर रबड़ भी ले सकते हैं या फिर आपका जो भी आप एग्जाम्पल आप लेना चाहें ठीक है लेकिन ये मेन है प्योर वाटर आइस ग्लास रबड़ ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आप लिख सकते हैं इंसुलेटर के एग्ज़ाम्पल में कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप दो एग्ज़ाम्पल दीजिए इंसुलेटर का ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में बोल दिया जाएगा एक नंबर में लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल आपको याद रखना है और डेफिनेशन भी आपको याद रखना है ठीक है अब हम बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में तो कंडक्टर क्या होता है सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स ठीक है अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ मेटल्स अक्वेज सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट फ्यू सॉल्ट एंड इम्प्योर वाटर एट इससेट्रा तो इसका भी आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा ठीक है अब हम बात करेंगे कि कंडक्टर कितने तरीके का होता है पहले हमने क्या बात किया पहले हमने बात किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है दूसरा हमने बात किया कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होता है ठीक है फिर मैंने आपको कंडक्टर यानी कि नॉन कंडक्टर का इंसुलेटर का डेफिनेशन बताया एग्जाम्पल बताया फिर मैं आपको कंडक्टर का डेफिनेशन बताया और एग्ज़ाम्पल बताया अब मैं आपको बताऊंगी कि कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं तो दोस्तों कंडक्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है पहला होता है मेटालिक कंडक्टर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं ठीक है अब मेटालिक कंडक्टर क्या होता है ये जानिए मेटेलिक कंडक्टर द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज नोन एज मेटेलिक कंडक्टर ठीक है मेटल्स Meta में आप ले सकते हैं ये ठीक है जैसे कि सी यू हो गया ए जी हो गया आयरन हो गया एल हो गया डिसेक्ट्रा ये सब मेटल्स में आ जाएगा और नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट आ जाएगा एंड वेरियस अलॉयज़ एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के बारे में तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या होता है ये जान लीजिए दो सब्सटेंसेज हुज वाटर सल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करेंट एंड विच आर डिकम्पोज बाई पैसेज ऑफ करंट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट एंड अंडर गोज डी कंपोजिशन बाई पैसेज द इलेक्ट्रिक करेंट समझ में आया अब हम बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सब्सटेंसटेंसेज हुएज सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी समझ में आ गया इसका डिफरेंस बिटवीन हर बार पूछा जाता है चाहे वो आपसे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है पाँच मार्क्स में पूछा जा सकता है या कैसे भी पूछा जा सकता है आपको याद करके जाना होगा इम्पॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ठीक है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन अकवस सोल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट नॉन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे ऑल सॉल्ट स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये दोनों भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ठीक है और आपको लर्न करके अच्छे से जाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन अक्वेज सोल्यूशन और इन द मॉर्डर्न स्टेट आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट अब इसका एग्जाम्पल क्या है तो ऑल कार्बोनिक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड ठीक है ये सारा जो है आपको एग्जाम्पल याद कर रह, रखना है अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन के बारे में जो कि वी है हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आप कोई से भी मतलब बोर्ड का पेपर निकाल लो हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है ठीक है इसी पैटर्न पे कुछ बच्चे क्या करते हैं मेटेलिक का लिखना रहेगा तो इधर से ऐसे लिख देंगे फिर लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो वो रॉन्ग होता है आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए ठीक है आपको अच्छा स्कोर करना है मेटेलिक कंडक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर टेक्स प्लेस

ठीक है ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस द रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करेंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द कंडक्शन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है तब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है ठीक है इंक्रीज in in इन टेम्परेचर एनहेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्शन जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर कंडक्शन भी तो इंक्रीज करेगा ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर ये टेम्परेचर आपका हो गया जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो कंडक्शन भी तो इंक्रीज़ करेगा तो ये आपको याद रखना होगा ठीक है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन का भी अच्छा टाइम मिल पाए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम नमस्कार